किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर की सफलता और उसकी इनकम सिर्फ एक बात के ऊपर डिपेंड करती है, वो ये है कि वो हर महीने कितने लोगों को एज ए कस्टमर अपने साथ जोड़ रहा है। और अगर एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आप नए नए लोगों को अपने बिजनेस में जोड़ नहीं पा रहे तो इस बिजनेस में आपके अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, सिर्फ खाब रह जाएंगे और आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे। तो समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि आखिर क्या किया जाए कि हर महीने आप नए नए लोगों को अपने बिजनेस में एज ए कस्टमर जोड़ सके। तो दोस्तों उसका एक ही तरीका है, वो है मार्केटिंग। क्या बोले बनाए? मार्केटिंग। मार्केटिंग करेंगे तो लीड जनरेशन होगी और जब लीड जनरेशन होगी तो पॉलिसी बिकेगी। और इसीलिए ये वीडियो एपिसोड आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप सीख सके मार्केटिंग कैसे करना है, लीड जनरेट कैसे करना है। और डे वन से ही इस वीडियो को देखने के बाद में आप अभी से ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं प्रैक्टिकल बात सिखाता हूं जो कोई भी कर सकता है। तो इसमें आपको बताऊंगा 7 प्रूवन मार्केटिंग के तरीके फॉर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स फॉर फ्री, जिससे आप लीड जनरेशन कर पाएंगे पहले दिन से ही। और फिर मैं आपको उनमें से जो 3 टॉप के तरीके हैं उनका आपको इस्तेमाल करना है, मैं बताऊंगा कि उसमें करना कैसे है ताकि आप उसे करके पैसा कमा सके। इसलिए बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं या शुरू किया है तो इस वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते। और इसमें जो पहला तीसरा पांचवा और सातवां ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिकल टेक्निक है, इसीलिए इसको पूरा देखना है। और अगर देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो जरूर इसमें कमेंट्स करना कि इसमें कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच। अगर बार बार आते हैं, आपका स्वागत है। माय नेम इज रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोर्चून सिस्टम। और इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख MDRT क्रिएट करने हैं, वो लोग जो फाइनेंशियली फ्री हो सके और कम से कम 1 लाख पर मंथ की इनकम कमाएंगे इसी बिजनेस से। और इसीलिए मैं आपको इतना प्रैक्टिकल ये मैं आपको सिखा रहा हूं, इसमें ये मेरा पेड कॉन्टेंट है पर मैं आपको फ्री में दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये बात करते हैं 7 मार्केटिंग के तरीके। तो सबसे पहले समझिए, जैसे बिजनेस का जो पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना और अपने कस्टमर और क्लाइंट को सर्विस देना। लेकिन अगर आप सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं पर प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो क्या हुआ? आप कुछ दिन बाद छोड़ देंगे क्योंकि बिना प्रॉफिट के बिजनेस तो चलेगा नहीं, राइट? ऐसे ही मार्केटिंग का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, वो क्या होता है? लीड जनरेशन करना और ऐसी लीड जनरेट करके उसको लीड को सेल्स में कन्वर्ट करना। फिर बोल रहा हूं, मार्केटिंग का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, जनरेट क्वालिटी लीड एंड कन्वर्ट दैट लीड इनटू कस्टमर, दैट्स इट। अगर ये नहीं है तो मार्केटिंग का मतलब आप टाइम पास कर रहे हो। सिर्फ ब्रांड बिल्ड करना, ब्रांडिंग वो मार्केटिंग नहीं होती है। लीड जनरेट करना और उसको कस्टमर में कन्वर्ट करना। अब बात करते हैं 7 तरीके। ये प्रैक्टिकल तरीके हैं, सुनने में कैसा लगे डजंट मैटर बट पैसा आएगा, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, फोन कॉल। मुझे पता है आपने पहले सुना है, आप जानते तो क्या हुआ, जानते हैं नहीं क्या इस्तेमाल किया। फोन कॉल आज भी ओल्ड इज गोल्ड तरीका है। एक सर्वे के अनुसार पाया गया आज भी 70% लोग फोन कॉल से बात करते हैं, सुनते हैं, मीटिंग बनती है और बिजनेस होता है। फोन कॉल से पॉलिसी बिकती है, फोन कॉल से रियल एस्टेट बिकता है, फोन कॉल से मल्टीलेवल मार्केटिंग बिकती है, फोन कॉल से गाड़ी बिकती है, फोन कॉल से घर बिकता है, फोन कॉल से सब कुछ बिकता है। बेचने वाला चाहिए, ओके? तो फोन कॉल करना है, चाहे जानकार हो अनजान लोग हो, फोन कॉल करिए, अपने बारे में बताइए और जाइए लोग। अब कैसे फोन कॉल करते हैं इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो आएगा 7 स्टेप्स टू मेक फोन कॉल टेलीकॉलिंग, 7 स्टेप्स टू सेल इंश्योरेंस बाय फोन कॉल, इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पहला तरीका हो गया फोन कॉल। दूसरा तरीका क्या है मार्केटिंग का? C2C। क्या बोला मैंने भाई? C2C मतलब क्या है? कस्टमर टू कस्टमर। आपके कुछ न कुछ कस्टमर ऐसे जरूर होंगे जो आपके साथ जुड़े हैं और सेटिस्फाइड हैं। तो ज्यादा करके लोग क्या करते हैं, सर कोई रेफरेंस हो तो बता दीजिए। ऐसा नहीं है, आपको कस्टमर से कस्टमर जनरेट करने की टेक्निक और कला सीखनी होगी। कस्टमर से आप ये मत बोलिए सर किसी का नंबर दे दीजिए, सिंपल बोलो सर क्या आप 2 लोगों को जानते हो? सब कोई जानता है। हाँ सर मुझे उनका नाम नंबर, किस लिए?
सर मैं उनकी सर्विस करना चाहता हूं, क्यों जैसे मैंने आपकी सर्विस करी है मैं करना है, दैट्स इट। और एक काम और करना है जो आप नहीं करते हैं, जो आपसे सेटिस्फाइड कस्टमर है उससे बोलिए सर क्या आप चाहते हैं मैं लाइफ में ग्रो करूं, क्या आपको लगता है मैं ईमानदार पर्सन हूं? बिल्कुल है। तो सर एक मिनट का वीडियो शूट कीजिए जिससे बोलिए आपका नाम क्या है और मेरे साथ आप जुड़े हैं और मैं किस तरह सर्विस दे रहा हूं और क्या आप मेरे सर्विस सेटिस्फाइड हैं, और वो वीडियो लेके उसको सोशल मीडिया के सारे YouTube में Facebook में हर जगह उसको वीडियो को फैला दीजिए। इधर कस्टमर ने आपका वीडियो दिया उसको देख के 10 लोग और आएंगे और जो कस्टमर से रेफरेंस मिलेंगे वहां से तो फोन करेंगे तो मीटिंग होगी तो पॉलिसी बिकेगी ही बिकेगी। ये बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल तरीके बता रहा हूं कस्टमर टू कस्टमर। अब आइए तीसरे नंबर पॉइंट पे, इसको बोलते हैं मार्केटिंग सर्वे। क्या बोला मैंने? कम ऑन, मार्केटिंग सर्वे। एक होता है जो ज्यादा करके एडवाइजर करते हैं कोल्ड कन्विंसिंग, क्या करेंगे वो दुकान दुकान जाएंगे, घर घर जाएंगे, हेलो सर मैं फला कंपनी से आया हूँ, कोई सर आपको सर्विस चाहिए क्या? ये मतलब बड़ा अजीब अटपटा लगता है, लोग बोलते नहीं बाद में यार अभी बिजी है, यार कोई भीख थोड़ी मांग रहे हो यार, ये तरीके से काम करना है। तो ये कोल्ड कन्विंसिंग बंद कर दीजिए और मार्केटिंग सर्वे स्टार्ट कर दीजिए। क्या मतलब इसका? आप एक बाजार एक मार्केट पकड़िए, उस मार्केट में अपना झंडा गाड़िए, झंडा मतलब क्या, अपना कोई वहां पे एक स्थान बनाइए, चाहे उसको कैनोपी लगाइए या एक स्टैंडी लगवाइए, कैनोपी से अच्छा होता है स्टैंडी, ठीक है, स्टैंडी लगवाइए, वहां बैठिए और वहां पे लोगों को मत बोलिए सर हम फला कंपनी से आए, वहां मार्केटिंग सर्वे रन कीजिए, मार्केटिंग सर्वे। उसके लिए एक वन पेजर फॉर्म बनाइए, उसमें नाम नंबर और दो चार सवाल पूछने होते हैं, पूछिए और जो लोग वहां पे आते हैं उनको बात कीजिए, उनसे बताइए, सवाल जवाब कीजिए और उनसे सिर्फ और सिर्फ वो चार पांच क्वेश्चन जो है वो सर्वे फॉर्म में भरवा लीजिए, आपका लीड जनरेशन हो जाएगा बस। अगर लोग नहीं आते आप उनको अप्रोच कर लीजिए, लेकिन एक मार्केट पकड़िए वहां जाके झंडा गाड़ के काम कीजिए, बजाय धक्के खा रहे हैं पूरा दिन कोल्ड कन्विंसिंग कर रहे हैं कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। तो तीसरा क्या हो गया? मार्केटिंग सर्वे। जानदार है ना, प्रैक्टिकल है, इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं होता, पैसा आएगा पॉलिसी बेच के। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट क्या है, उसके पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप रियली में मार्केटिंग के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप कोल्ड कॉलिंग लीड जनरेट करना चाहते हैं? क्या आप इस बिजनेस में हर महीने 1 लाख कमाना चाहते हैं पार्ट टाइम फुल टाइम? कैसे करेंगे दोस्तों? उसके लिए मैंने एक प्रूवन सिस्टम बना दिया है जिसमें आपको सिखाता हूं कैसे माइंड सेट डेवलप करते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस लाते हैं, कैसे बिजनेस शुरू करते हैं। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम दूसरा बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इंश्योरेंस का कैसे लीड जनरेट करते हैं, कैसे सवाल पूछे पॉलिसी करते हैं, और 40,000 की बोनस, 1 ईयर की लाइफ ट्रेनिंग, 1 ईयर की लाइफ ट्रेनिंग मेरे साथ में, ये सब मैं आपको दे रहा हूं फोन टू फोर सिस्टम के अंदर। हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल रिजल्ट देने वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हजारों लोगों की लाइफ को बदल चुका है। अगला नंबर आपका है, 9,997 रुपए इसका प्रोग्राम का चार्ज है। अभी 1,997 मैंने अक्षय तृतीया ऑफर निकाला था, मेरे मेंटोर ने कहा रवि कर भला तो हो भला, इसलिए भला करने के लिए मैं सिर्फ 1,997 आपको दे रहा हूं। 21 दिन की मनी बैक गारंटी है, अगर आपको लगे मेरे पैसे काम के नहीं है तो अपने पैसे ले जाना बिना किसी सवाल के, 21 दिन का रिस्क मेरे ऊपर है। तो क्या करना चाहिए? नीचे लिंक में क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, इन्वेस्ट योर मनी ऑन दिस बिजनेस ऑन योर ग्रोथ, ओके, और यू कैन पे टू आवर गूगल पे फोन पे जो नंबर आ रहा है। अब बात करते हैं चौथा नंबर। आपने सुना होगा कि आप कंपनी में जाके वो लगा लो कैनोपी, इसको बोलते हैं इन हाउस मार्केटिंग। क्या बोला मैंने? इन हाउस, मेरे एक एक शब्दों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन हाउस मार्केटिंग, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? एक है आप कंपनी के बाहर गेट में खड़े हैं, वहां पर जो ज्यादातर एडवाइजर करते हैं, यहां दिल्ली में जो बहुत सारे जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां पे, सरकारी ऑफिस है वहां पे जाकर बेचारे खड़े हो जाते हैं, क्यों? बाहर एम्प्लॉई आते हैं चाय पीने सिगरेट पीने तो उनसे बात करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि बाहर खड़े होने के बजाय उस कैंपस के अंदर कैसे घुसना है, ये किसी ने सिखाया नहीं उनको, ये तो उनको पता ही नहीं है, उनको लगता है बस बाहर खड़े हो जाओ धूप में खड़े रहो। अरे यार क्यों भाई, स्मार्ट काम करो ना यार, इन हाउस मार्केटिंग करनी है। आप देखिए आपकी सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी ऑफिस, सेमी गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, जहां पे वो लोग जो पैसे कमाने वाले इकट्ठे बैठते काम करते हैं, वहां पे कैंपस में उनसे परमिशन मांगिए, परमिशन मिलती है। मेरे साथ लोग काम करते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के ऑफिस में वहां तक परमिशन ली है, जहां पे बड़े बड़े ऐसे ऑफिस है जहां पे अलाउ ही नहीं होता, लेकिन तरीका होता है।
हर जगह परमिशन मिलती है, परमिशन मांगो और उनके कैंपस के अंदर जाके अपना झंडा गाड़ो। और वहीं पे जब कैंपस के अंदर बैठे हो तो लोग आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, और बस उसने एक बार पूछा नहीं कि आपने मार्केटिंग फॉर्म निकाला, सर्वे निकाला, वहां बिजनेस की बात ही नहीं करनी, वहां सिर्फ सर्वे करना है, उनसे उनका केवल क्या लेना है, नाम, नंबर, मोबाइल, क्या करते हैं, दैट्स इट। इन हाउस मार्केटिंग भी अंदर जाके ये अगर आपने करना सीख लिया तो आपका गेम बदल देगा, कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। ये पांचवा तरीका है, क्या जो मैंने आपसे बोला था प्रैक्टिकल है, पावर है, यस नो, ठीक है। इन हाउस सर्वे, अब आते हैं छठवें नंबर पे, छठवें नंबर पे आते हैं, राइट, यस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच। ये मैंने बहुत किया है क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, और ये दोस्तों थोड़ा सा ना मुश्किल होता है डायरेक्ट अप्रोच, लेकिन ये ऐसी अप्रोच है जो आपको चैंपियन बना देगी, आपके अंदर का डर एकदम हटा देगी, आप एकदम इतने अंदर से मजबूत हो जाओगे कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, बस ये डायरेक्ट अप्रोच केवल करके देख लो। इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अंदर डर निकलना चाहिए, आपके अंदर हवा बैठा है वो क्या सोचेगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हटाना पड़ेगा, और ये निकलता है डायरेक्ट अप्रोच से, जब आपको लोग सामने से रिजेक्ट करते हैं, मना करते हैं, नो बोलते हैं, इट्स लाइक जस्ट नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो एक होता है जो मुक्केबाज होता है ना, मुक्केबाज, मुक्केबाज जो, वो जो इतने मुक्के खा लेता है, 10 मुक्के, 20 मुक्के, 50 मुक्के, 100 मुक्के, 1000 मुक्के, जब 1000 मुक्के खा लेगा तो उसको फर्क ही पड़ना बंद हो जाएगा। कहते हैं अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना है मुक्केबाजी में तो उसके लिए मुक्के खाना पड़ता है, ऐसे ही बीमा बिजनेस में अगर पैसा कमाना है तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा, वो बनाएगी डायरेक्ट अप्रोच। कहीं भी खड़े हो जाइए, एटीएम के पास में, पोस्ट ऑफिस के पास में, मार्केट में, बाजार में, अगेन जहां लोग आते जाते हैं कार पार्किंग में, और वहां पे आपके हाथ में एक सर्वे फॉर्म होना चाहिए, और सीधे बोलो, एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ जी, मैं एक मार्केटिंग सर्वे कर रहा हूं, मेरा नाम ये है, मैं आपसे दोनों बात करना चाहता हूं। 10 लोगों से बोलोगे, मैं आपसे वादा कर देता हूं 4 लोग आपकी बात सुन लेंगे, 4 में 1 बंदा आपको अपना नाम नंबर देकर चला जाएगा, यानी 10 में 10% का रेशियो है। जब मैं करता था दोस्तों तो मेरा 40% कन्वर्जन था भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस गुड़गांव की पार्किंग में, 2008-09 की बात है, 40% कन्वर्जन था मेरा, मतलब अगर 10 लोगों से बात होता 4 लोग नाम और नंबर, और उसी वो जो मैंने काम किया आज से 10-15 साल पहले उसने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया। तो मैं जो सिखाता हूं आपको वो मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया मार्केट में, ये फर्जी केवल 4 किताबें पढ़ के नहीं आ गया, ओके, ऑफकोर्स मैंने भी सेल्स का सिकंदर किताब लिखी है, ये मेरी किताब है, राइट, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ओके। तो छठवां क्या हो गया, डायरेक्ट अप्रोच। अब आते हैं 7वें अप्रोच पे, फिर मैं आपको बताऊंगा तीनों इनमें से कौन से 3 तरीके लेने हैं और आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। 7वां थोड़ा सा करना अनकंफर्टेबल होगा, वो सबके लिए नहीं है, बट बता रहा हूं, उसको बोलते हैं यूट्यूब स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं, यूट्यूब स्ट्रेटजी। जैसे मैंने बोला आपसे कि आप अपने कस्टमर का वीडियो लीजिए, उसको यूट्यूब में डाल दीजिए। अब आजकल सोशल मीडिया बहुत वायरल हो गया, लेकिन जो आपको लोग मार्केट में सिखा रहे हैं कि 10 क्लाइंट बनाओ मार्केट में कुछ किए बिना, वो देखो प्रैक्टिकली बताऊं सच तो दोस्तों होता नहीं है, क्योंकि मैंने वो पहले ट्राई किया है और मैंने लोगों से करवाया है, वो जो करने के लिए चाहिए और उसमें इतना रिजल्ट नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण है, कभी बताऊंगा, क्योंकि इंश्योरेंस एक पुश प्रोडक्ट है, ठीक है ना। बट यूट्यूब से क्या होता है, जब आप यूट्यूब में अगर सही वैल्यूएबल कॉन्टेंट अपने मार्केट के लिए देते हो, अगर आप बता सकते हो मनी के बारे में, पैसे के बारे में, सेविंग के बारे में, और आपका कंटेंट सही है, तो कुछ लोग हैं जो उसको देखेंगे, और जब देखेंगे तो आपके बारे में उनकी जो धारणा है, उनका जो परसेप्शन है आपके बारे में, वो बदलेगा, ओके। फिर क्या होगा, जब आप ऐसे बात करोगे तो आपको लगेगा यार ये बंदा बीमा एजेंट नहीं है, ये फाइनेंशियल डॉक्टर है। जब मैं सिखाता हूं अपने हायर प्रोग्राम में, तो फाइनेंशियल डॉक्टर से हर आदमी जुड़ना चाहता है। तो आप यूट्यूब में हर महीने 4-5 अच्छे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे। ये फ्री की मार्केटिंग है, पर इसको करने के लिए कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए, कुछ आपको तरीके आने चाहिए, जो यहां नहीं सिखा सकता, उसके लिए हमारे हायर प्रोग्राम में वहां सिखाता हूं, पर ये तरीका है, काम करता है। अब बातें हैं कि इनमें से कौन सा तरीका आपको तीनों इस्तेमाल करने हैं, बता रहा हूं। उसके पहले
अगर आप इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, पहले किया था बंद कर दिया, तो तीन बातें सुन लीजिए। नंबर एक, आपको सही माइंडसेट लाना पड़ेगा। माइंडसेट मतलब जिसमें काम करना है, सोचना कम है, कौन क्या कह रहा है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, रिजल्ट ना आए तो कैसे काम करना, सबको सीखना पड़ेगा। दूसरा है लीड जनरेशन। बिना लीड जनरेशन के कोई बिजनेस होता नहीं है। लीड जनरेशन का आपको चैंपियन बनना पड़ेगा। कोल्ड कॉलिंग कैसे करते हैं, लीड कैसे बनाते हैं, कहाँ से लीड लाते हैं, वो सब सीखना पड़ेगा। और तीसरा है पॉलिसी क्लोजिंग। सवाल कैसे पूछते हैं, कैसे बात करते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं, और सबसे बड़ी बात सिस्टम, कि क्या करना है क्या नहीं करना, पार्ट टाइम में क्या साथ काम करने हैं, ये पता होना चाहिए। और ये मैं आपको फोन टू फोन सिस्टम के अंदर सिखाऊंगा, कराऊंगा और बताऊंगा। हजारों लोग कर रहे हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं सिस्टम को, और अगर 21 दिन केवल फॉलो कर लेते हैं, तो आपके जीवन में, आपके सोचने में एक अजीब सा परिवर्तन आता है। आपकी थिंकिंग बदलना शुरू हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, आपका बात करने का तरीका बदल जाता है। लोग बोलते हैं यार आप कुछ अलग हो। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, वो बीमा बिजनेस में है कई सालों से है। अब बोलते हैं सर हमारे जो क्लाइंट है कहते हैं यार तुम तो बदल गए हो, अब तुम बात ही नहीं सिखाया मैंने उनको। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। 1997 आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए इस बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। जस्ट डू राइट नाउ, ज्वाइन दिस प्रोग्राम और फिर देखिए कैसे अभी गाड़ी बदलना शुरू होती है। आप बोलोगे यार मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप एक बार में सुनते नहीं हो। कब से कह रहा हूं, पिछले साल भी बोला था ज्वाइन नहीं किया सर, क्या करें सर। अरे किस्मत खराब नहीं है, आओ तो सही। और अगर आप मेरे साथ जुड़ चुके हो तो छोड़ के मत भागना, बार बार ट्रेनिंग में आते रहना, छोड़ के मत भागना। अब बात करते हैं इनमें से कौन से पकड़ना है। नंबर एक पकड़ लो, पहला, दूसरा और पांचवा। बस पहला मतलब फोन कॉलिंग। एक कसम खा लो, दिन में 10 फोन कॉल भी बिना शाम का खाना नहीं खाऊंगा। जब तक मैं 10 फोन कॉल नहीं कर लूंगा, मैं रात का खाना खाऊंगा नहीं, बस खत्म बात। 10 फोन कॉल रोज करनी, रिजल्ट कितना आता छोड़ दीजिए। 97% इंश्योरेंस एडवाइजर दिन में 5 फोन कॉल से कम करते हैं और कहते सर पैसा नहीं आ रहा। कहां से आएगा भाई, अरे किसने कहा फोन कॉल से मीटिंग नहीं बनता, कोई है लाओ मेरे सामने खड़ा करो यार मैं बात करता हूं। खुला चैलेंज है भाई, फोन कॉल ही करना सीख जाओ, इस बिजनेस में महीने लाख रुपए कमा लोगे। कि मजाक हो रहा है यहां पे, लोग जुड़े हैं मेरे साथ में कमा रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस है आपको मैं। ओके, 10 फोन कॉल किए बिना शाम को खाना नहीं खाऊंगा, कसम खा लो अभी राइट नाउ। तो ऐसा कमाना है रवि सर, लेकिन समय नहीं है, सब कुछ है। आप बोलेंगे बड़ी भैया मैं ऐसे ही हूं, मैं स्ट्रेट हार्ड ट्रेनर हूं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कोच हूं। ओके, सिखाता हूं, पैसे कमाता हूं। पहला, दूसरा काम क्या है, C2C, अपने कस्टमर ढूंढो, उनसे रेफरेंस लो और उनका वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दो, अपने को मार्केट करो। अपनी अच्छाई दबाओ नहीं, उसको बाहर निकलने दो। जैसे आपने मेरे यूट्यूब चैनल में देखा होगा, बहुत सारे कस्टमर मेरे साथ जुड़े हैं, आप जैसे लोग, वो बोलते हैं सर मैंने ज्वाइन किया मुझे फायदा हुआ, मैं उसको मार्केट करता हूं। क्यों, अरे यार अच्छा किया मार्केट करना, यार क्या फर्क पड़ता है। लेकिन झूठ नहीं होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। मैंने खुद सही मार्केटिंग करी है और सही के दम पे ही आज मेरा बिजनेस 9 कंट्री फैल चुका। क्यों, शुरू में काम लगेगा, लगाओ जूते घिसाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, करो, एक ही बार करनी पड़ेगी। आज क्या है, मैं यहां हूं दिल्ली में, मेरा बिजनेस कोई नेपाल में ज्वाइन कर रहा है कस्टमर। एक महाराष्ट्र के गांव में मेरी बात हुई, बोले सर यहां इतनी गर्मी पड़ती है और सर मैं इतनी दूर रहता हूं, सर मेरे यहां नेट नहीं आता, वाईफाई नहीं आता, लेकिन सर जब आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है सर मैं 100 किलोमीटर दूर जाता हूं पहले अपने जानकार के यहां, तब सर आपकी 2 घंटे की ट्रेनिंग अटेंड करता हूं। एक बड़ी बात हुई झारखंड में, उन्होंने यही बताया, नहीं झारखंड नहीं छत्तीसगढ़ में, कि सर यहां पर 150 किलोमीटर दूर तक सर नेट में बहुत दिक्कत होती है, सर मैं पहले एक दिन चला जाता हूं। तो सर क्या गांव क्या शहर आज हो रहा है ना, इसीलिए मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, वो आप भी कर सकते हैं। और तीसरा है सर्वे, पकड़ लो सर्वे, दैट्स इट, पकड़ लो सर्वे, सर्वे पकड़ लो, जहां भी जाओ सर्वे, अपना झंडा गाड़ो सर्वे, झंडा गाड़ो सर्वे, जस्ट डू इट एंड देन सी हाउ गेम विल चेंज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो 5 लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए इसमें कौन सा आपको अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है मैं एक पॉइंट बीच में बोलना भूल गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। वो पॉइंट क्या है, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब क्या है, मार्केट में आप लोगों से पार्टनरशिप करो, देखो कौन बंदा है जो आपका पार्टनर बन सकता है, पार्टनर, और वो आपको लीड दे सकता है, उसके बदले आप जो बिजनेस होता है उसमें से उसको कुछ पैसा आप दे सकते हो ईमानदारी से, दैट्स कॉल्ड कोलैबोरेशन स्ट्रेटजी। तो अब आपकी सॉफ्टवेयर स्ट्रेटजी कंप्लीट हो गई, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा टेक केयर, गॉड, एंड ज्वाइन माई फोन टू फोर सिस्टम, दिस विल चेंज योर गेम, टू अप्लाई दैट, टेक केयर, गॉड ब्लेस।